2022 का यूपी विधानसभा का चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है। ताजा मामला नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरा बेलथरा रोड मार्ग स्थित कोठिया मोड़ से है, जहां से देर शाम को अपने निजी वाहन से गुजर रहे बेलथरा रोड सुरक्षित विधानसभा सीट से बसपा के दावेदार संतोष कुमार की गाड़ी पर अज्ञात बदमाशों ने ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। घटना के वक्त बसपा प्रत्याशी संतोष कुमार स्वयं गाड़ी में मौजूद थे। घटना के बाद वो वहां से जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए भागकर नगरा थाने पहुंचे। थानेदार से अपनी आपबीती बताते हुए अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान बसपा नेता संतोष कुमार ने बताया, अपने विधानसभा क्षेत्र से एक मृतक के घर से पुछार करके वापस अपने गांव लौटते वक्त नगरा थाना अंतर्गत क्षेत्र के नगरा बेलथरा रोड मार्ग स्थित कोठिया मोड़ पर यह घटना हुई। ये भी बताया, मेरी बढ़ती लोकप्रियता से बौखलाई विरोधियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन से हमलावरों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग भी की। बीती रात जो है बेलथरा रोड बेलथरा बाजार में एक मृतक का समाचार मिला। एक सहनी परिवार का लड़का एक्सपायर हो गया था। वहां से मिलकर मैं करीमगंज में और कुंडेल में कुछ निमंत्रण अटेंड किया। उसके बाद मैं अपने घर को वापसी आ रहा था तो नगरा और परसिया नगरा में परसिया और कोठिया के बीच में एक मोड़ है, कर्व है। उस कर्व पर हमारी गाड़ी की स्पीड कम से कम 50-60 की रही। पत्थर एकाएक आए और गाड़ी का अगला शीशा मेरा टूट गया। पुलिस ने तो आश्वासन दिया है और कहा है कि इसका अंजाम जल्दी निकाला जाएगा। और जहां तक बात रही कि कौन लोग हो सकते हैं, तो ये विरोधियों का ही काम होगा, क्योंकि हमारी लोकप्रियता को देखते हुए मैं स्थानीय हूं और लोकप्रिय हूं और बसपा का यहां प्रबल दावेदार हूं, और बसपा का बढ़ता हुआ जनाधार देखकर विरोधियों के हौसले पस्त हो रहे हैं, इसलिए ये निर्मम घटना की गई है। अमित श्रीवास्तव, बलिया, उत्तर प्रदेश।